2008 की रात थी और इलॉन मस्क सोते सोते चिल्लाया और उठकर जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ा और वहां पर जाके वॉमिटिंग करने लग गया। इलॉन मस्क बहुत हाई स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल कर लेता था, लेकिन इस साल जो उसने स्ट्रेस झेला था उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। इलॉन के चलने का पॉस्चर खराब हो गया था और उसने बहुत वेट गेन कर लिया था, लेकिन वो हाइपर फोकस्ड स्टेट में आ गया था और इसे अपनी दो कंपनियों को बचाना था, स्पेसएक्स और टेस्ला। इलॉन मस्क ने अपने छोटे भाई किम्बल मस्क को बुलाया और उसे कहा, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं? मेरे पास कुल $375,000 है, जिससे मैंने एप्पल के शेयर्स खरीदे हैं और इन्हीं शेयर्स को बेच के मुझे अपना लोन चुकाना है। इस पर इलॉन मस्क बोले, नहीं लोन रहने दो, ये सारे पैसे तुम टेस्ला में लगा दो। इलॉन मस्क अपने सारे पैसे अपनी कंपनी टेस्ला में लगा चुके थे और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को कॉल करके कह रहे थे कि वो भी उसे कुछ पैसे उधार दे दे। रोडस्टर गाड़ी बनने के लिए कई कस्टमर्स ने गाड़ी की प्री बुकिंग करवा रखी थी, यानी गाड़ी के लिए उन्होंने पहले पैसे दे दिए थे जो गाड़ी उन्हें एक साल बाद मिलनी थी। अपनी टीम के लाख मना करने के बाद भी इलॉन अपने कस्टमर्स के ये सारे पैसे अपनी कंपनी में लगा चुके थे। 2008 के क्राइसिस में सारी कंपनीज बंद हो रही थी और कोई भी इन्वेस्टर इलॉन की कंपनी के लिए उन्हें पैसे नहीं दे रहा था। इलॉन मस्क की वाइफ तलूला ने अपने पेरेंट्स को इलॉन की सिचुएशन के बारे में बताया, जिस पर तलूला के पेरेंट्स ने कहा कि हम अपना घर गिरवी रख देते हैं और इसे जितने भी पैसे मिलेंगे वो हम इलॉन को दे देंगे, लेकिन इलॉन ने इसके लिए मना कर दिया। इलॉन की ऐसी हालत देखकर इलॉन के दोस्त मार्क जनकोसा ने कहा, यार स्पेसएक्स और टेस्ला में से एक कंपनी को बंद कर दे और एक पर ध्यान दे। इस पर इलॉन मस्क ने कहा, ये सवाल मेरे लिए कुछ ऐसा था जैसे कि मेरे पास दो बच्चे हो और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कम खाना हो और कोई मुझसे कह रहा हो कि तुम सारा खाना एक बच्चे को खिला दो और दूसरे को मरने दो ताकि एक बच्चा तो जिंदा रहे। टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स ने इलॉन मस्क के लिए एक कंडीशन रखी थी कि अगर टेस्ला की टोटल मार्केट वैल्यू $650 बिलियन के आसपास पहुंच जाती है तो उन्हें $100 बिलियन मिलेंगे, वरना कुछ भी नहीं। जिसका मतलब था कि टेस्ला की इतनी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाना जितनी कि जनरल मोटर्स की भी नहीं थी, जबकि जनरल मोटर्स ने पिछले एक साल में 1 करोड़ गाड़ियां बेची थी और उनका 80,000 का प्रॉफिट था, जबकि टेस्ला ने पिछले साल 1 लाख गाड़ियां बेची थी और वो 18,000 करोड़ के लॉस में थे। टेस्ला बोर्ड मेंबर्स की ये कंडीशन इलॉन मस्क तभी पूरी कर पाते अगर वो हर हफ्ते 5,000 गाड़ियां बना पाते। इलॉन को लग रहा था कि ये टारगेट वो किसी भी हालत में पूरा कर देंगे, लेकिन उनकी टीम को, उनके इन्वेस्टर्स को और बाकी पूरी दुनिया को लग रहा था कि इलॉन ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा। और बाकी लोगों को ये लगना कि इलॉन कभी भी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा वो ठीक भी था, क्योंकि उस वक्त टेस्ला फैक्ट्री 1200 गाड़ियां हर हफ्ते बना रही थी और 5000 गाड़ियां बनाने के लिए उन्हें दो सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना था। मुश्किल नंबर एक, जो ऑलरेडी टेस्ला की फैक्ट्री थी उसे इतना एफिशिएंट बनाना था कि उस फैक्ट्री में ऑलरेडी लगी मशीन से वो 1200 के बजाय 3600 गाड़ियां बनाए, जो कि नामुमकिन था। मुश्किल नंबर दो, उन्हें 5000 गाड़ियां एक हफ्ते में बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, जिसकी अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़े तो करीबन 2 साल लग जाएंगे और उनके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम था। अब इन दो कारणों की वजह से बहुत से लोगों ने टेस्ला का स्टॉक शॉर्ट कर दिया। तो हमें से जिन्हें शॉर्ट के बारे में नहीं पता, तो अगर टेस्ला के शेयर का प्राइस नीचे गिरता तो ये लोग बहुत पैसे कमाते। और टेस्ला के शेयर को शॉर्ट करने वाले लोगों में दो बड़े नाम शामिल थे, पहला था जिम चेनॉस और दूसरे थे बिल गेट्स। जिम चेनॉस एक बहुत ही फेमस ट्रेडर है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दो टीम्स बनाई थी जो कि टेस्ला की फैक्ट्री की हर खबर रख रही थी। इन टीम को नाम दिया गया एयरफोर्स टीम और ग्राउंड टीम। एयरफोर्स टीम में जिम चेनॉस ने लोगों को ड्रोन्स दे दिए जो टेस्ला फैक्ट्री के ऊपर घूमते रहते थे, और ग्राउंड टीम में लोग थे जो जमीन से टेस्ला फैक्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। इन दोनों टीम का एक काम था कि ये दोनों ये देखते रहे कि टेस्ला में कितना सामान अंदर जा रहा है और कितनी गाड़ियां हर हफ्ते बनके बाहर आ रही है। इन सबको यकीन था कि 6 महीने में ये सारे करोड़ों कमाएंगे, क्योंकि दूर दूर तक टेस्ला फैक्ट्री से 1800 से ज्यादा गाड़ियां बाहर नहीं आ रही थी। हर हफ्ते 6000 गाड़ियां बनाने के लिए जितने भी पुर्जे चाहिए उन सबको मंगवा लो। 6000 गाड़ियों के लिए पुर्जे? इलॉन, इन सब के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम इन पुर्जों को गाड़ियों में कन्वर्ट ना कर पाए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। टेस्ला को बंद करना पड़ेगा इलॉन, तुमसे जो कहा बस वो करो। इलॉन इस वक्त हाइपर फोकस स्टेट में थे
और इन्होंने चार सबसे बड़े एक्शन किए। एक्शन नंबर वन, अब जब तक टेस्ला फैक्ट्री से 5,000 गाड़ियां बाहर नहीं निकलेंगी मैं इधर ही रहूंगा। और फिर इलॉन इसके बाद दिन रात अपनी फैक्ट्री टेस्ला में ही सोए। एक्शन टू, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ थिंग्स। इलॉन मस्क फैक्ट्री में एक एक पार्ट को चेक कर रहे थे और वो अचानक से एक रोबोटिक आर्म के पास रुके और कहा, ये क्या है? ये रोबोट स्क्रू टाइट करता है। स्क्रू टाइट करता है? इतना स्लो? इससे तेज स्क्रू टाइट तो मैं कर लूं। इसका इंजीनियर कहाँ है? अभी वो खाना खाने गया है, उसे जल्दी बुलाओ, मैं यहीं पर हूँ। जब वो इंजीनियर आया और उसने सेटिंग देखी तो वो इलॉन को बोला, इलॉन ये स्लो इसलिए है क्योंकि इसकी सेटिंग ऐसी की गई है कि ये अपनी 20% स्पीड पर चल रहा है, इसे 100% स्पीड पर कर दो। पर इससे तो नट खराब हो जाएंगे ना। कोई बात नहीं, तुम इसे फिर भी करो। जैसे ही स्पीड 100% पर की गई तो उस रोबोट ने इतनी तेजी से नट घुमाए कि वो सारे टूटने लग गए। ये देखकर इलॉन बोले, इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड से अब 70% कर दो। जब स्पीड 70% की गई तो सब ठीक चलने लगा और इस स्टेप का टाइम पहले से आधा हो गया। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पिछली दो वीडियोस में हमें कमेंट आ रहे थे कि हमें एडिटिंग करते कैसे हैं, ये मैग्नेट्स मीडिया यूट्यूब चैनल की तरह हम कैसे एनिमेशन करते हैं, इसका क्या कोई सॉफ्टवेयर है या इसका कोई कोर्स है क्या। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग बात तो ये हुई कि जब मेरे चार यूट्यूबर फ्रेंड ने भी इस एडिटिंग स्टाइल की तारीफ करी तो उस पर मुझे और मेरी टीम को ये तो क्लियर था कि इस स्किल की डिमांड बहुत है, यूट्यूबर्स को अच्छे एडिटर नहीं मिल रहे हैं जो इस तरीके की एनिमेशन कर सके। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एडिटर्स को ट्रेन करें, उन्हें कोर्स दें और उस कोर्स में एक असाइनमेंट भी दें। अब जिसका भी मन होगा वो असाइनमेंट कर सकता है और हम अपनी वेबसाइट में लोगों की असाइनमेंट शेयर करेंगे। अगर किसी यूट्यूबर को उनका काम अच्छा लगता है तो हम उस एडिटर से उन्हें मिलवा सकते हैं। इससे एडिटर को काम मिल जाएगा और यूट्यूबर को आसानी से अच्छे लेवल का एडिटर। तो अभी तो हमने ये कोर्स नहीं बनाया है, ना ही हमें ये पता है कि इस कोर्स का प्राइस क्या होना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस एडिटिंग कोर्स के 44,000 रुपीज तक चार्ज कर रहे हैं। एनीवेज हम नहीं चाहते किसी को इतना पे करना पड़े। अभी हमने अपने कोर्स के प्राइस को डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका प्राइस फ्यूचर में 1247 रुपीज से कम तो नहीं होगा। तो अभी अगर आप इस कोर्स को प्री बुक करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, और प्री बुक करने पर आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, यानी अभी आप इसे 747 रुपीज में ले सकते हैं। आपको अप्रोक्सीमेटली 30 दिन के बाद मिलेगा, लेकिन ये बेस्ट कोर्स होगा और हम इस कोर्स में अपनी एग्जैक्टली एक वीडियो कम्प्लीट करके दिखाएंगे। इसके साथ ही इस कोर्स में करीबन 2 मिनट की असाइनमेंट होगी, जिसे आप कम्प्लीट करोगे तो उसे हम अपनी वेबसाइट में मेंशन कर देंगे, ताकि कोई भी एम्प्लॉयर जो एडिटर को ढूंढ रहा है वो आपको हायर कर पाए। और हाँ, कोर्स रिलीज होने से पहले अगर आपको लगता है कि आपको ये कोर्स नहीं चाहिए तो हम आपके 747 रुपीज वापस कर देंगे, बट वी प्रॉमिस कि ये कोर्स इन 44,000 रुपीज के कोर्स से बेटर होगा। अगर आप इस स्किल में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि काफी स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है और अभी हम स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कमिंग बैक टू द स्टोरी, एक्शन 3, डिलीट द यूजलेस पार्ट्स। इलॉन अगली मशीन की तरफ बढ़े और देखा कि यहाँ पर कार के बेस में रबड़ लगाया जा रहा है। इलॉन को लगा कि इसकी जरूरत नहीं है, तो वो बोले, ये रबड़ हम क्यों लगा रहे हैं? इस रबड़ को लगाने में इतना टाइम लग रहा है कि इसकी वजह से कार का ढांचा आगे नहीं बढ़ पा रहा और पूरा आगे का काम रुका पड़ा है। इस पर इंजीनियर बोला, सर ये स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट के इंजीनियर ने हमें लगाने के लिए कहा था। उस इंजीनियर को बुलाओ, ये रबड़ हम क्यों लगा रहे हैं? ताकि अगर कभी बाढ़ आती है तो जो गाड़ी का बेस है वो ज्यादा गीला ना हो। क्या बोल रहे हो, बाढ़ आती है? 10-15 साल में एक बार बाढ़ आएगी और अगर आ भी गई तो गाड़ी का फ्लोर थोड़ा सा गीला हो जाएगा, लेकिन कार सेफ है, इस रबड़ को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इलॉन ने हाथ में एक ऑरेंज कलर का स्प्रे लिया और टेस्ला के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग को बुलाया। उससे कहा, तुम मेरे साथ एक पूरा फैक्ट्री का चक्कर लगाओ। हर स्टेप में इलॉन मस्क रुककर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग से पूछने लगे, क्या ये स्टेप बहुत जरूरी है कार बनाने के लिए? अगर इसका आंसर वो इंजीनियर नो देता तो इलॉन मस्क उस पार्ट के ऊपर एक्स मार्क कर देते, जिसका मतलब था कि इस मशीन को फैक्ट्री से निकाल दो और कार में ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। एक्शन 4, वर्ल्ड वॉर 2 स्ट्रेटजी। इलॉन ने अपनी टीम को कहा, गवर्नमेंट हमें नई फैक्ट्री की परमिशन इतनी जल्दी नहीं देगी, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी तो अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा बॉम्बर प्लेन बनाने थे, तो उन्होंने प्लेन बनाने वाली कंपनीज के पार्किंग लॉट में ही फैक्ट्री को सेट कर दिया टेंट लगाकर, जिसकी वजह से वो और ज्यादा प्लेन बना पाए। हम भी एग्जैक्टली ऐसा ही कर सकते हैं। इलॉन के ये कहने के 2 हफ्ते बाद ही उनकी टीम ने पार्किंग लॉट में ही टेंट लगा के फैक्ट्री सेट कर दी। वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी और वर्कर्स को तपती धूप में काम करना पड़ रहा था, तो टेस्ला की टीम ने वहाँ पर आइसक्रीम के ट्रक खड़े कर दिए ताकि कोई भी वर्कर काम करने पर आइसक्रीम खा सकता है। इस टेंट के अंदर कोई भी रोबोट काम नहीं कर रहा था, सारे के सारे ह्यूमन वर्कर्स ही थे, क्योंकि नए रोबोट्स लाने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही समय। इस टेंट में एक दिक्कत और आ रही थी, क्योंकि कोई भी कन्वेयर बेल्ट नहीं थी, तो कैसे कोई भी इंसान इतनी भारी चैसी को एक से दूसरी जगह लेके जाए। इसका सलूशन इलॉन ने ये निकाला कि हल्की सी स्लोप बना दी ताकि ग्रेविटी की वजह से इन भारी टुकड़ों को एक से दूसरी जगह ले जाया जा सके। टारगेट के 6 महीने होने से कुछ दिन पहले ही जुलाई 2,
2018 को सुबह के 1:56 में इलॉन ने ये ट्वीट किया, 7000 गाड़ियां 7 दिन में, हार्ट टेस्ला टीम हार्ट। इस ट्वीट के बाद टेस्ला का शेयर प्राइस कई गुना बढ़ गया। जिम चेनॉस, बिल गेट्स और जितने भी शॉर्ट सेलर्स थे जो कि ये मान के चल रहे थे कि इलॉन मस्क कभी भी 5000 गाड़ियां एक हफ्ते में नहीं बना पाएंगे, उन्होंने कुल मिलाकर $38 बिलियन पैसे लूज कर दिए, यानी 1,80,000 करोड़ रुपए लूज कर दिए। ये इतना पैसा है कि इसमें ये शॉर्ट सेलर मिलके 14 बुर्ज खलीफा बनवा सकते थे। बिल गेट्स ने टेस्ला शेयर को शॉर्ट करके करीबन खुद 14,000 करोड़ रुपए गवाए। ओके, तो एक बार ये जो पूरी वीडियो है इसकी मैं लर्निंग आपके लिए समराइज करता हूँ। ये पूरी वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पार्ट 1, इलॉन मस्क अकेले हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं लेकिन वो क्विट नहीं करते। पार्ट 2, पूरी की पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, वो सबको इग्नोर करते हैं। बिल गेट्स, जिम चेनॉस जैसे शॉर्ट सेलर उनकी कंपनी को शॉर्ट कर देते हैं और बेट करते हैं कि ये कभी भी 5000 गाड़ियां एक हफ्ते में नहीं बना पाएगा। उनके इंप्लॉइज कहते हैं कि हम इसे नहीं बना सकते, अभी हम 800 गाड़ियां बना रहे हैं, लेकिन वो फाइनली 6000 गाड़ियों का सामान मंगाते हैं। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और उसके बाद पार्ट 3 में वो एक्चुअल में एक्सट्रीम हार्ड वर्क करते हैं, हद पार मेहनत। अपने टेस्ला की फैक्ट्री में आकर टेबल के नीचे सोते हैं, एक सोफे में सोते हैं, और ये होती है एक्सट्रीम हार्ड वर्क। और फाइनली अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, बल्कि उल्टा 7000 गाड़ियां एक हफ्ते में बना के दिखाते हैं। इलॉन मस्क की लाइफ के ऊपर 2 अमेजिंग बुक्स लिखी जा चुकी है। पहली है जो एशली वेब्स ने लिखी थी, और दूसरी ये और भी उससे इंटरेस्टिंग है जो कि वॉल्टर आइसैक्सन की है। तो वॉल्टर आइसैक्सन, जिन्हें नहीं पता, वो मुकेश अंबानी के फेवरेट ऑथर हैं और ये CNN के CEO रहे हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो वॉल्टर आइसैक्सन है वो इलॉन मस्क के साथ 2 साल तक रहे थे, और उनकी सारी स्टोरीज, उनकी डीप स्टोरीज इन्होंने इस बुक में बताई है। इन दोनों बुक्स की जो समरी है वो हिंदी में आप गूगल ऐप पे सुन सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। गूगल ऐप के अगर आप फर्स्ट रो में जाओगे तो वहां पर 200 से ज्यादा बुक समरीज फ्री हैं। अगर आप उनको खरीदते हो तो उनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 40,000 रुपए के आसपास बैठती है। तो आपको फ्री में इंस्टॉल करते ही इन सारी बुक्स की समरीज आप फ्री में सुन सकते हैं। आई होप जो गूगल ऐप है वो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।